नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली स्पेशल काजू कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों को काजू कतली बनाने में डर लगता होगा कि काजू कतली महंगे आते हैं, अगर सही नहीं बना तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। मात्र 3 सामग्री से झटपट बनने वाली ये मिठाई है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके घर पे बनाइए, ये परफेक्ट बनेगी। 1% भी डाउट मत रखिए, पहली बार में ही ये बेहतर बनकर तैयार होगी। इसे एक बार घर पर बनाने के बाद आप मार्केट से कभी काजू कतली खरीदेंगे ही नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए कोई भी कटोरी लें या गिलास लें या मेजरिंग कप लें, एक ही चीज़ से सारे मेजरमेंट कर लीजिए। मैंने 250 ग्राम काजू लिया है, 2 टुकड़े वाला है, 4 टुकड़ा वाला भी मिलता है। ऐसे काजू का इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंड जार में काजू डालेंगे और काजू का पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। जार में आधा आधा करके पीस लेंगे। पीसते समय बहुत ज़्यादा मिक्सर को नहीं चलाएंगे, वरना पाउडर चिकना हो जाएगा। रुक रुक कर चलाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। काजू पाउडर को हम छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े बचे हो वो निकल जाएंगे। अब जो ये बचे हुए काजू हैं इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। और इसे भी छान लेंगे। ये जो मोटा मोटा काजू है इसे हम अलग कर लेंगे, इसका खीर या हलवा में इस्तेमाल कर लेंगे। काजू का पाउडर तैयार हो गया है, अब हम काजू का डो बनाएंगे। तो सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालेंगे। जब तक चीनी घुल ना जाए लगातार चलाते रहेंगे। हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। चीनी घुलने के बाद थोड़ी देर उबलने देंगे। जब थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होने लगे तो गैस को कम करेंगे और काजू का पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। एक तार की चाशनी बनाकर भी काजू कतली बनाया जाता है, लेकिन काजू जल्दी जमने लगता है तो उसे बेलना मुश्किल लगता है। इस तरीके से बनाना आसान लगता है, कोई भी बना सकता है। इसे लगातार चलाते रहेंगे। काजू का पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो गया है। 1 चम्मच घी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो काजू कतली सख्त बनेगी। इसका कंसिस्टेंसी इस तरीके का रहेगा। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे हम थाली में घी लगाकर या बटर पेपर पर घी लगाकर निकाल लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब थोड़ा गर्म हो तभी इसे मसल लेंगे। ये आटे की तरह नरम हो जाएगा। ये देखिए, इसे गोला बना लेंगे। आसानी से बेलने के लिए बटर पेपर या पन्नी या कोई बड़ी थाली हो उस पर बेल कर तैयार कर सकते हैं। इसे चौकोर बेल कर तैयार करेंगे। घुमा घुमा कर चौकोर बेलेंगे। इसे पतला बेलेंगे, काजू कतली पतला ही होता है। अब इसे चाकू के हेल्प से डायमंड शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो स्केल से नाप कर भी काट सकते हैं। अब हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। जब ये सेट हो जाएगी तो इसके पीसेज को अलग कर लेंगे। हमने काजू के ऊपर सिल्वर वर्क नहीं लगाया है, वो खाने के लिए हेल्दी नहीं होता, शो के लिए लगाया जाता है। इसे हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। अब इसके टुकड़ों को अलग करेंगे। काजू कतली बहुत ही अच्छी बनी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है।
काजू कतली को फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिन तक खाया जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।